सो व्हाट आर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाएं क्या है? दिस इज नॉट ए सोशल सर्विस, दिस इज ए सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज इज ए ग्रुप ऑफ पर्सनल, दीज आर द सर्विसेज विच आर परमानेंट, विच आर पेड, विच आर स्किल्ड, विच हैज ए करियर एंड विच आर फॉर द पब्लिक वेलफेयर. सिविल सेवाएं ऐसी सेवाएं हैं जो स्थायी हो, वैतनिक हो, जिनमें एक जीवन वृत्ति पाया जाए, प्रमोशन आदि आदि पाया जाए, और जिनका मेन काम लोक कल्याण हो. बट सिविल सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशल सर्विसेज बिकॉज दे डू नॉट हैव मोस्ट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. सिविल सेवा समाज सेवा नहीं, समाज सेवा में आवश्यक नहीं है कि स्थायी हो, वैतनिक हो, वृत्ति हो या वेतन. राइट, ये इंटरव्यू तक क्वेश्चन जाता है, व्हाट आर सिविल सर्विसेज. यू शुड नेवर से कि हमको समाज सेवा करनी है. आपको क्या, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सिविल सर्विसेज दैट मीन्स परमानेंट पेड स्किल एंड इट हैज ए करियर. एंड देर आर टू वेज थ्रू विच यू कैन गेट द सिविल सर्विसेज. वन इज थ्रू UPSC एंड वन इज थ्रू द डिफरेंट स्टेट PSCs. हाउ मेनी ऑफ यू विल अपियर फॉर द UPSC? आप में से UPSC कितने लोग प्लान कर रहे हैं UPSC? एंड हाउ मेनी ऑफ यू प्लानिंग PSC, स्टेट PSC? एंड हाउ मेनी ऑफ प्लानिंग यू द बोथ UPSC एंड द PSC? ऑब्वियसली बोथ. सो दिस इज UPSC. इन UPSC द एग्जाम्स आर इन 3 स्टेजेस. नंबर 1 द प्री, इनमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक यू नो, तो इस पर मैं बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ आज. फिर भी एक आउटलाइन देख रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी जो आपको मैटर हमने दिया हुआ वो है उसमें, उसमें सिर्फ टिक करना है. दिस थिंग इज विद यू. सो द स्टेज 1 इज द प्रिलिम्स एग्जाम. 200 मार्क्स इज द जनरल स्टडीज पेपर एंड 200 मार्क्स इज द CSAT पेपर. बट ओनली मार्क्स ऑफ जनरल स्टडीज इज टेकन इन टू कंसिडरेशन. सिर्फ सामान्य ज्ञान के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं. 2 घंटे का पेपर होता है. मिनिमम कट ऑफ GS में होना चाहिए 30 और CSAT में होना चाहिए 70 मार्क्स. एंड UPSC में माइनस मार्किंग होती है. प्रिलिम्स में माइनस मार्किंग होती है. 2018 में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ था वो गया था 98 आउट ऑफ 200, यानी 48-50% के आसपास कट ऑफ जाता है UPSC. और इस बार 2019 में भी कट ऑफ लगता है 50% के आसपास गया होगा. सो दिस इज अबाउट प्री. और अभी से जो तैयारी है, जो प्री का सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, तो जो सिलेबस है वो उसमें 40-50-60-70% तक आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हो अभी से, अगर आप इंटीग्रेट करके और एक विजन के साथ आप चलो तो. UPSC में सेकंड स्टेज पे फिर होता है मेंस, जो कि सितंबर अक्टूबर मंथ में होता है. मेंस पे जो पेपर 1 है आप देख रहे हैं ऐसे का है, 250 मार्क्स. देन पेपर 2 दैट इज GS 1 250 मार्क्स, GS 2 250 मार्क्स, GS 3 250 मार्क्स, और ये GS 4 250 मार्क्स. यानी जनरल स्टडीज़ की जो अभी से आप तैयारी है तो वो आप ऐसी तैयारी करिए कि मेंस के भी चारों पेपर साथ साथ हों, क्योंकि दीज पेपर हैव द कंटेंट ऑफ ऑल दैट पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो सारी चीज़ें हैं. तो कहने का मतलब है कि अगर अभी हम पढ़ें भारत के राष्ट्रपति, तो उसको इस हिसाब से पढ़ें कि हमारी प्री की भी तैयारी हो, उसमें मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया में वो भी करें, इंटरव्यू में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी करें. तो इम्पॉर्टेंस इज लेट अस गो फॉर ए इंटीग्रेटेड स्टडी. उसी हिसाब से हमने सारे नोट्स डिज़ाइन किए हुए अपने. तो ये 250 250 250 250. एंड इन UPSC देर इज़ वन ऑप्शनल पेपर, वन ऑप्शनल विद टू पेपर्स, 250 250. तो जो सब टोटल होता है UPSC रिटर्न का, ये 1750 मार्क्स का होता है. कितना? 1750. और 2018 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 774 गया था आउट ऑफ 1750. तो आप समझ लीजिए कि कट ऑफ कम जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छे पेपर्स होते हैं. और फिर इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको मैंने सब प्रोवाइड कर दिए, आपके नोट्स में है. एंड थर्ड स्टेज UPSC का होता है इंटरव्यू. 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है. और यही जो आपने पढ़ा है उसी को अगर आप एक विजन लेके पढ़ेंगे तो साथ साथ आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी. जैसे नीति आयोग आपने पढ़ा, हम लोग ये कराते हैं. नीति आयोग में प्री में क्या पूछा, मेंस में क्या पूछा, इंटरव्यू में क्या पूछा.
अभी से तैयारी करा देंगे तो वो चीज़ आपकी आगे तक काम आएगी। बिकॉज हम लोग IAS इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली भी जाते हैं, वहाँ बच्चों को तैयारी कराते हैं, तो हमको एक आइडिया है पूरा इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन है, मेंस में क्या क्वेश्चन है, प्री में क्या क्वेश्चन है, तो हमारी हमेशा तैयारी एक विजन लेके होती है। एंड फाइनली जो ग्रैंड कट ऑफ UPSC का गया था 2018 में, ये गया था 982 आउट ऑफ 2025। ये आपके पास हमने प्रोवाइड किया हुआ है, सिर्फ टिक करना है आपको, यू नीड नॉट टू राइट इट अगेन। एज लिमिट 21 to 32 और बाकी जनरल चीज़ें। MPPSC की अगर बात करें तो आपके हाथ में पैटर्न है, MPPSC भी पैरेलल है। द एग्ज़ाम इज टेकन इन द 3 stages। जो प्रीलिम्स है इसमें भी GS एंड CSAT का पेपर है, बस CSAT का नाम अलग है, GAT नाम है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स का ही होता है MPPSC, GS के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं। कट ऑफ थोड़ा सा अंतर है, 40% कट ऑफ इज नीडेड। और 2018 में जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ गया था 138 आउट ऑफ 200। पेपर इज लिटिल ईजी, तो MPPSC का कट ऑफ 69-70% तक जाता है, लेकिन MPPSC में माइनस मार्किंग नहीं होती प्रीलिम्स में, ये थोड़ा सा अंतर है। मोर और लेस पैरेलल पैटर्न्स है विद लिटिल डिफरेंस। एक्सक्यूज मी, देन मेंस की अगर बात करें तो MP में भी जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 ये पेपर है। फर्स्ट पेपर 300 मार्क्स, सेकंड 300 मार्क्स, थर्ड 300 मार्क्स, बस थोड़ा जो फोर्थ पेपर है वो 200 मार्क्स का, इतना अंतर है। बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है MPPSC UPSC में। यह है कि UPSC में डेप्थ ज़्यादा है और MPPSC में MP के करीब 40-50 चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। देन इसके अलावा जनरल हिंदी का पेपर है और कुछ ऐसे अनसीन पैसेज वगैरह आते हैं। 1400 मार्क्स का MPPSC का सब टोटल होता है, और जो 2017 में कट ऑफ था ये 741 आउट ऑफ 1400, यानी 53%। ये सब कट ऑफ आपके पास हैं, आपके पास जो हमने मैटर प्रोवाइड किया वेलकम किट में, ये सब चीज़ें हैं आपको। और इंटरव्यू 175 मार्क्स, तो MPPSC का जो फाइनल जो ग्रैंड टोटल है 1575 मार्क्स का। 2018 में जो कट ऑफ गया था 888 आउट ऑफ 1575, और फिर कुछ सर्टेन चीज़ें हैं MPPSC का। देन कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है ये सब हमारा वेबसाइट पे हमारा दिया हुआ, अभी हम आपको डिस्कस कर लेंगे। दीज आर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर इन UPSC। देर आर ऑल इंडियन सर्विसेज ग्रुप ए, जिसमें IAS, IPS और IFS होता है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं तीन होती हैं ग्रुप ए में। इसके अलावा ग्रुप ए में बाकी सर्विसेज होती हैं जो कि ऑल इंडियन सर्विसेज नहीं हैं, ये सेंट्रल सर्विसेज में आती हैं, याद रखिए। इंडिया में देर आर ओनली 3 ऑल इंडियन सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं 3 ही हैं। तो अब बाकी सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, बहुत सारी सेवाएँ हैं। तो UPSC कंडक्ट एग्ज़ाम फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, हम ये कह सकते हैं क्लास 1 और क्लास 2, इन दो परीक्षाओं के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है UPSC। और MPPSC जो एग्ज़ाम कराता है वो कराता है डिप्टी कलेक्टर, DSP और अकाउंट्स ऑफिसर, लेबर ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, महिला बाल विकास अधिकारी, ये पूरी लिस्ट है, ये हमारी वेबसाइट पर भी दी हुई है, ठीक है। और एक हमारी आप जब वेबसाइट पे आएंगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब मिलेगा आपको इसमें। जैसे आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में गए एग्ज़ाम पैटर्न, तो खुलेगा UPSC कि आपको MPPSC किसका पैटर्न देगा। तो देखिए पूरा इसमें डिटेलिंग की हुई है कि GS, CSAT क्या सिलेबस है, और नॉर्मली कितना ब्रेकअप भी इसमें दिया हुआ है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से,
कितने क्वेश्चन पॉलिटी से, कितने क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप जस्ट बटन पे जाइए एंड यू विल गेट एन आइडिया। तो इसलिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, ये आपको वेल अंडरस्टूड है कि आपको दिख जाएगा ये। और जो यूपीएससी में जो ऐसे हैं आजकल, इंस्टेड ऑफ आस्किंग वन ऐसे, नाउ दे गिव यू टू राइट टू एसेस। पहले एक ऐसे लिखवाते थे, आजकल अब वो दो ऐसे लिखवाते हैं। दे आस्क यू टू चूज वन ऐसे फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन ऐसे, वन यू नो ऐसे फ्रॉम सेक्शन बी। तो दो ऐसे लिखवाने लगे हैं अब, याद रखिएगा ये यूपीएससी में चेंज। तो बाकी नॉर्मली जो यूपीएससी में वर्ड लिमिट है वो आप याद रखिए 150 वर्ड्स से 250 वर्ड्स के बीच होती है। तो अभी से आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप मेंस की करें तो आप ट्राई करें कि 150 से 250 वर्ड्स के बीच में वो आप आंसर लिखें। हम अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं और हम जो यूपीएससी वालों को यही ट्राई कराते हैं कि 150 से 250 वर्ड्स के अंदर वो किसी भी दिए गए टॉपिक पर लिखें। और अगर हम एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में भी पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन, ये वेबसाइट के बटन्स में दिया हुआ है। और एमपीपीएससी में आपको पता ही है पेपर 1, 2 और 3 300 मार्क्स के हैं, तो इसमें सब बताया हुआ है कि आपको एमपीपीएससी में कुछ टॉपिक्स पे वो 1 to 2 लाइन लिखवाते हैं। बोलिए 1 to 2 लाइन, 1 से 2 लाइन यानी आपसे 25-30 वर्ड में लिखवा लेंगे। इन सम दे आस्क यू टू राइट इन 150 मार्क्स एंड इन सम इन 300 मार्क्स। किसी पे लिखवाते हैं दो लाइन मतलब 25-30, 30-35 वर्ड्स, किसी पे लिखवाते हैं 150 वर्ड्स और किसी में 300 वर्ड्स में, तो ये थोड़ा सा वेराई करता है। तो ये डिटेल पूरी वेबसाइट पे है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर का क्या पैटर्न देखना हो तो आप इस बटन पे जाइए, यूपीएससी एग्जामिनेशन जैसे आपने दबाया तो यूपीएससी प्री का पेपर, सॉल्व यूपीएससी मेंस का पेपर, ये हर साल का आप यूपीएससी 2018, 17, 16, 15 का पेपर जब भी देखना हो इजीली जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। और अगर आपको एमपीएससी का पेपर देखना हो कि किस तरह के, क्वेश्चन एमपी में पूछे गए तो एमपीपीएससी के बटन पे जाइए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018, मेंस 2018, आपको कौन सा देखना है, माना यू हैव टू सी द मेंस 2018, तो पूरे पेपर आपके मेंस में जीएस 1, 2, 3, 4 ऐसे सब मिल जाएगा आपको। जैसे 2017 में आपको खाली प्री का पेपर देखना है तो प्री के सारे पेपर मिल जाएंगे विद आंसर की, राइट। और बाकी हम लोग जो आपको नोट्स मॉड्यूल प्रोवाइड कराते हैं उसमें सब चीज़ें होती हैं। आप चूँकि अभी फर्स्ट डे है आपका, इसलिए हम ये बता रहे हैं कि वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। इवन हमने ये तक निकाल के दिया हुआ मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन आज इन प्रीवियस एग्जाम, यानी पॉलिटी की बात करें तो यूपीएससी में क्या क्या पूछा है प्री मेंस में, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा है यूपीएससी ने, देखिए मॉड्यूल वाइज अब आपको यूपीएससी देखना है या एमपीपीएससी। जैसे माना कि हमने बोला हमको भाई एमपीपीएससी देखना है, तो एमपीपीएससी में ये चल रहा है कौन से मॉड्यूल, पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या क्या पूछा गया हमको देखना नहीं, इकोनॉमिक्स में एमपीपीएससी में क्या पूछा गया या हिस्ट्री में क्या पूछा गया, तो हर चीज़ यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आरएनडी का काम हमारा चलता रहता है। क्लियर। और जहाँ तक रिकमेंडेड बुक्स की बात है, हम आपको लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये भी हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे हम पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हम सजेस्ट करेंगे पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक लें, एम लक्ष्मीकांत की बुक लेंगे। जब इकोनॉमिक स्टार्ट होगा तो हम आपको प्रेफर करेंगे कि रमेश सिंह की बुक लें, और साथ में क्या क्या चीज़ों से आपको अपडेट करना है, कौन कौन सी एनसीईआरटी लेनी है, ये इसमें भी लिस्ट दी हुई है। और हर चीज़ हमारा हम ट्राई करते हैं आपके लिए हम टाइम सेव कर सकें, अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकें, आपको भटकना ना हो, क्योंकि यही गाइडलाइंस लेके आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो इन आपको विदाउट नेविगेशन चलेंगे तो आप इधर उधर होंगे फिर। और पूरा वीकली करंट अफेयर भी हम लोग क्लास में भी डिस्कस कराते हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होता है। ये बटन आपने देखा ना वीकली करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स, जैसे द
The US House passes bill to remove 7% cap on issuing the green card. अभी 7% तक लोगों को अलाउ कर रहे थे, अब वो 15% ग्रीन कार्ड अलाउ करेंगे, परसेंटेज बढ़ा रहे हैं वो, ताकि स्किल्ड लोग US में ज़्यादा से ज़्यादा आए. देन अनुशुल कांत का अपॉइंटमेंट हुआ वर्ल्ड बैंक के MD के तौर पर, तो उनके बारे में डिटेल. और मेघालय फर्स्ट स्टेट है जो वाटर कंजर्वेशन का ट्राई करेगा, तो ये वेबसाइट पे पूरा वीकली करंट अफेयर जमा जमाया आपके हिसाब से होता है टू सेव योर टाइम. और साल में हम इसका एक्सट्रैक्ट, इसका जिस्ट भी आपको देते हैं, आपको जो भी मीडियम हो, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में और हिंदी वालों को हिंदी में, ये जो भी चीज़ें सब इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है. दिस करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर इज अपडेटेड ऑन वेबसाइट आवर वेबसाइट. एक अभी एक्सटिंग बोर्ड के बारे में आया है कि शी हैज़ एन एक्स्ट्रा लॉन्ग टो, उसकी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है. और करतार साहब कॉरिडोर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है. नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसमें कुछ अभी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं, तो पूरा क्या क्या चेंजेस हैं, फर्स्ट चेंज क्या है, सेकंड चेंज क्या है, थर्ड चेंज क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में सारा वेबसाइट पे हमारा अपलोडेड होता है. क्योंकि कई बार आपकी शिकायत रहती है कि हम पेपर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि पेपर में आप द हिंदू पढ़िए, द हिंदू, साथ में आप जो भी जो UPSC और PSC के हिसाब से वेबसाइट्स में एक्स्ट्रा जिस्ट दिया हुआ करंट अफेयर का वो पढ़िए, यूनिक का आप करंट अफेयर पढ़िए, तो आपका टाइम सेव होगा. क्योंकि इसमें पॉलिटिकल चीज़ें नहीं है, सिंपली काम की चीज़ें आपकी सब निकली हुई है. और आपका हमको जो चीज़ हम 8 घंटे में तैयार करते हैं वो आपके सामने निकला हुआ, आपको 15-20 मिनट में बस समझ के याद करना है. तो वीकली हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस भी कराते हैं और आपको फिर इसको हम एक कॉपी भी देते हैं जब हम नेशनल इंटरनेशनल फिर डिस्कस कराते हैं, तो पूरा नोट्स मिलेंगे आपको. इंडियन कुछ बर्ड्स हैं जैसे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकेन, तो इसके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. इस तरह की जैसे दिखती है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इस तरह से दिखती है लेसर फ्लोरिकेन, ये लेसर फ्लोरिकेन है, तो इनके लिए कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, ठीक है. तो यूनिक IAS जो है बेसिकली इट्स एन ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट. हमारी वेबसाइट में हमारे सारे सर्टिफिकेशन दिए हुए, ये आप चेक कर लीजिए. वी आर द गूगल पार्टनर, 4.7 out of 5 हमारी रेटिंग है, जस्ट डॉयल रेटिंग हमारी दी हुई है. एंड रिसेंटली वी हैव गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द गवर्नर ऑफ MP फ्रॉम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट IAS IPS इंस्टीट्यूट, ये सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं. And we have our own trademark, which is instituted by the intellectual property, by the Bombay. So these are all our certifications. And website पे ही हमारी faculties की पूरी list और उनके qualification दिए हुए हैं. General studies के काफ़ी portions मैं लेता हूँ. इसके अलावा जो ऐसे होता है उसमें वो मिस्टर पंकज कुमार IIT, यही जन IITian, तो वो पूरा गाइड करते हैं उस ऐसे में. देन GS में जो बायो के सेक्शंस होते हैं, बायो से रिलेटेड, वो लेते हैं डॉक्टर शैलन तोमर. देन GS में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड सेक्शन होते हैं, शारदा शुक्ला. GS में जो कंप्यूटर साइंस और IT से रिलेटेड सेक्शन होते हैं, डॉक्टर अनुराग सहगल, HOD कंप्यूटर साइंस. और जो PSC वालों के लिए जो हिंदी और उस तरह की चीज़ें होती हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ स्पेशलाइज फैकल्टी है. आप लोगों में से जो CSAT की तैयारी कर रहे हैं, तो ये CSAT की फैकल्टीज हैं, जिनमें से 2 IITian आ गए. देन हमारी वेबसाइट में जो IAS टॉपर्स कमेंट जितने टॉपर्स निकले हैं ईयर वाइज उनके कमेंट्स दिए हुए हैं, ये भी आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं. ईयर वाइज कमेंट दिए हुए हैं पूरे. और पेपर क्लिपिंग्स हमारे बारे में जो है वो आप देख सकते हैं. जो हम कोर्स ऑफर करते हैं उसका फ्लो चार्ट हम पहले से ही पूरा प्रोवाइड करा देते हैं. जैसे आपको ये फ्लो चार्ट गए आप
इसमें आपको देखना है कि किस तरह से हम साल भर में नेविगेशन करेंगे. आपका जो भी मीडियम है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी, आप उसको पिकअप करिए. जैसे किस मीडियम में पिक करना है आपको फ्लो चार्ट, जैसे आपने इंग्लिश में पिक किया. सो फ्रॉम 1st of August वी विल स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स. दिस इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर चैप्टर 1 हम देखेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, प्रीएम्बल, देन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप. चैप्टर 5 में देखेंगे पूरा फंडामेंटल राइट. एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे इस हिसाब से कि अगर उसमें मेंस में क्वेश्चन बनता हो तो वो सॉल्व हो जाए, इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन बना हुआ तो वो भी उसमें सॉल्व है. चैप्टर 6 ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. तो इस तरह से एक एक इन डेप्थ है. आप हमारे नोट्स को इंडिया के किसी भी नोट्स से कंपेयर कर सकते हैं, ये मेरा दावा है, ओपन दावा है. देन चैप्टर 14 जो इंडियन पार्लियामेंट है, बहुत डिटेल में इंडियन पार्लियामेंट. 15 में पूरा इंडियन जुडिशरी. वैसे मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन इंडिया दे आर नॉट ओपन, दे डू नॉट टेल यू द एडवांस कोर्स प्लान, जस्ट ए वेरी फ्यू टाइम. आप समझ गए, कोई नहीं बताता कि साल भर में नेविगेशन क्या होगा, कोर्स प्लान क्या होगा, बट हमको पता है, पहले से बता के चलना है आपको बी टेक. उसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होगा पार्ट 2, दैट इज द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टेट लेजिस्लेचर इन द इम्पॉर्टेंट कमीशन. यानी राज्य का प्रशासन कैसे चलता है, राज्य की विधायिका कैसे काम करती है, तो पूरा उसका डिटेल स्टेट के बारे में. और साथ साथ में हमारा पूरे टेस्ट होते हैं, करीब 50-100 टेस्ट लेते हैं हम एक साल में. उसका भी शेड्यूल दिया हुआ है, वेबसाइट पे ऊपर ही दिया हुआ है. आफ्टर दैट वील गो विथ फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी. एक एक चैप्टर, जैसे अवर अर्थ, देन एटमोसफियर, पूरा चैप्टर उस पर, प्लेट टेक्टोनिक्स, वल्कनाइजेशन, अर्थक्वैक, प्लेट किस तरह से टकराती हैं, किस तरह से कन्वर्जन डाइवर्जेंस होता है, किस तरह से वैलीज माउंटेन्स बनते हैं, सब. अवर कॉन्टिनेंट, हमारे महाद्वीप, अवर ओशंस. तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे 25 चैप्टर हैं. साथ साथ हम वीकली टेस्ट लेते हैं, ग्रैंड टेस्ट लेते हैं. वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद आएगा इंडियन ज्योग्राफी. आप समझ गए होंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा उसका डिटेल चैप्टर वाइज प्लान दिया. आफ्टर दैट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन इंडियन ज्योग्राफी. और कोई भी क्लास अगर आप स्किप करते हो, नथिंग टू वरी अबाउट. आपको सिर्फ एक मैसेज डालना, आई वॉन्ट, डियर सर, आई वॉन्ट द वीडियो ऑफ क्लास सच एंड सच. आपको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे, आईडी में आप घर बैठ के उस दिन का पूरा वीडियो देख सकते हैं. गेटिंग, जैसे आपको 2 दिन के लिए शादी में जाना है, 3 दिन के लिए शादी में जाना है, आपने एक सिर्फ मैसेज डालना डेली कि प्लीज काइंडली प्रोवाइड मी द वीडियो. ऑडियो नहीं, वीडियो लेक्चर पूरा. द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट इन इंडिया आर डूइंग दिस, वी आर वन ऑफ दोस. आप पता लगा लीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ पता लगा लीजिएगा, ठीक है? तो उसमें भी आपको टेंशन नहीं, कभी भी आपने कुछ भी मिस किया, आपको वीडियो लेक्चर घर पे मिलेगा. आपको एक मैसेज डालना है. इंडियन ज्योग्राफी की ये देख लीजिए, द इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर, हिमालयास, हिमालय किस तरह से बने, पेनिनसुला. अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो डेप्थ है, अभी मैं दिखाऊंगा आप एक एक टॉपिक का क्या डेप्थ है. आई शो यू एंड यू कैन कंपेयर इट विद एनी मटीरियल. तो ये इतने सारे हम चैप्टर लेंगे ज्योग्राफी में. मतलब हम खाली जैसे पॉलिटी पढ़ाएंगे तो पॉलिटी में ही 15-20 टेस्ट ले लेंगे. कम बोल रहा हूँ, सकता ज़्यादा लें. वैसे ही ज्योग्राफी में करीब 7-8 टेस्ट हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 7-8 इंडियन ज्योग्राफी के, कुल मिला के 15-20 खाली ज्योग्राफी में टेस्ट लेने वाले. 7-8 टेस्ट चलते रहते हैं हमारे. देन उसके बाद इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में दिस इज अबाउट द चैप्टर 1, प्लान एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एंड दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर. तो खाली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में ही आप सोचिए इतने टॉपिक हैं हमारे नोट्स में, वो भी इन डेप्थ हैं. बिकॉज आप पेपर का ट्रेंड देखिए, एग्रीकल्चर में क्वेश्चन बढ़ गए हैं. आप समझ गए, खाली इतना एग्रीकल्चर लोगों के तो इतने में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में पड़ जाते हैं. देन पूरा स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग इन इंडिया, पब्लिक फाइनेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमिक्स का पहला लेग है. फिर इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेग हमारा स्टार्ट होता है फॉरेन ट्रेड से.
फॉरेन ट्रेड इंडस्ट्रीज ये सेकेंड लैग है। जैसे फॉरेन ट्रेड पे काफी क्वेश्चन है, तो ये देखिए दिस इज अवर फॉरेन ट्रेड, ये पूरा फॉरेन ट्रेड है जिसपे जितने क्वेश्चन उस हिसाब से मैटर डिजाइन करते हैं हम लोग। देन उसके बाद फिर एनवायरमेंट, बायोडायवर्सिटी, देन इंटरनेशनल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। बहुत सारे पार्ट हैं इंटरनेशनल के, दो पार्ट है। एक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समझना उसका फायदा। उसमें हमने डिफरेंट इन्वेंट्री बनाई हुई है, जैसे यूएनओ इंस्टीट्यूशन में यूएनओ, सार, नाम, एशियान, एपेक, पूरा जितने 25-30 एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के टॉप, पूरा मैटर उसका ऑलरेडी तैयार है। यूएनओ कितने मेंबर हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के प्रजातंत्रीकरण का क्या प्लान है, इंडिया को सीट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अभी तक दुनिया में क्या क्या यूएनओ ने किया वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने में, यूएनओ का फेल्यूअर कहाँ का रहा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन में एक पूछ लगा देते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब क्रिटिकल एनालिसिस के साथ मिलेंगे, पूरा मेंस के तैयार इंटरव्यू के तैयार आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो चाहे सार्क हो, नाम हो, कुछ भी हो, हर चीज़ आपको तैयार फिल्को फाइनल फॉर्म में। देन इंटरनेशनल अफेयर, अफेयर में एक एक कंट्री का इन्वेंट्री, दुनिया के 40 देशों का खाता है जो हम अभी से प्रोवाइड करते हैं। इन्वेंट्री वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यू नीड नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश, हमने इतना मैटर तैयार करके दिया है कि अब जो आने वाले टाइम में जो उनसे रिलेटेड चीज़ें बस उसमें आपको एड ऑन करना। आई शो यू, बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना। देन उसके बाद फिर नेशनल अफेयर में हम पूरा मॉड्यूल वाइज कराते हैं, जैसे पॉलिटी गवर्नेंस से रिलेटेड नेशनल अफेयर, इकोनॉमिक्स रिलेटेड नेशनल अफेयर, ज्योग्राफी से रिलेटेड नेशनल अफेयर, दिस इज अवर सेक्शन ऑन नेशनल अफेयर। देन जो एमपी वाले हैं उनके लिए बहुत डिटेल में फिर एमपी कराएंगे, जैसे ज्योग्राफी ऑफ एमपी, सॉइल्स, सीजन्स, फॉरेस्ट इन एमपी, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को भी हर चीज़ को हम ऐसा कराएंगे कि आपका मेंस, इंटरव्यू, प्री तीनों लेवल पर एमपी कवर हो। जैसे एग्रीकल्चर इन एमपी में ऐसा नहीं कि खाली हमने बता दिया कि एमपी में इतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, पूरा एमपी में लैंड यूज़ क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड लैंड यूज इन एमपी, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स इन एमपी, व्हाई एमपी हैज़ गॉट द कृषि कर्मण अवार्ड, व्हाट आर द मेजर इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर इन एमपी, कृषि से संबंधित कौन कौन से संस्थान हैं, व्हाट इज द प्लान डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन एमपी, मध्य प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में कृषि का कैसे विकास हुआ। अगर आप जरा सा भी आपने पेपर देखा होगा तो आपने गेस कर लिया होगा कि वो जितने क्वेश्चन एग्रीकल्चर में बने वो कवर हो जाएंगे इसमें। देन द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एमपी, देन मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड मार्केटिंग कमीशन, ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि ऋण समाधान योजना, भावांतर भुगतान योजना, इस तरह से। तो इस तरह से पूरे टॉपिक्स हैं, इंडस्ट्रीज एंड प्लानिंग इन एमपी, वेरियस स्कीम्स और डेवलपमेंट इन एमपी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, गेम्स, स्पोर्ट्स, ट्राइब इन एमपी, मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, मध्य प्रदेश में लिटरेचर, तो लिटरेरी फिगर में एंशियंट के जितने एंशियंट लिटरेरी फिगर्स वो अलग, मेडिवल के अलग, मॉडर्न के अलग, थिएटर, फेस्टिवल, टूरिस्ट, आर्कोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल पर्स्पेक्टिव, इतिहास में मध्य प्रदेश। तो एमपी वालों को इतना बढ़िया एमपी कराएंगे, एक एक चीज़ पूरी प्री मेन्स इंटरव्यू की कवर। और देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्टार्ट होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी सारी डिटेल, चैप्टर्स पूरे डिटेल, फैकल्टीज़ की लिस्ट हम पहले ही दे चुके हैं आपको, कौन क्या क्या लेगा। देन उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट के बाद मेडिवल, और मेडिवल के बाद मॉडर्न, राइट। तो ये फ्लो चार्ट है जो आपको पहले से दे दिया गया है। देन मेन्स का जो फ्लो चार्ट है वो भी दिया हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे GS4 चैप्टर 1 से, ऑन एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जो सबसे टफ माना जाता है वहीं से स्टार्ट करने वाला है। एमपीपीएससी में भी है, यूपीएससी में भी है, सब कॉमन है ना। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर चीज़ के तैयार मॉड्यूल हैं या लगे भी हुए हैं कुछ, आप किसी मॉड्यूल के बाद देखना चाहो देख भी सकते हो। सो दिस इज अवर फ्लो चार्ट फॉर द मेंस, ठीक है।
वैसे ही सीसेट वालों के लिए सीसेट का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सिमिलरली आपको देखना है कि कौन सा टेस्ट का कब टेस्ट होना है, तो यू कम ऑन द बटन कोर्सेज, कोर्सेज में आपने टेस्ट, अब आपको टेस्ट जैसे इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में, आपने बोला नहीं हमको हिंदी में देखना है क्या शेड्यूल होगा, तो हिंदी में देख लीजिए, दिस दिस इज द शेड्यूल ऑफ द टेस्ट। एंड वी प्रोवाइड इट ऑन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, राइट। इसके अलावा हम हमारे क्लास में हम क्यू सी ए क्वेश्चन कम आंसर शीट फॉर्मेट में अभी से आपको प्रैक्टिस कराते हैं राइटिंग की। या हिंदी मीडियम वालों के लिए जैसे सूरत विभाजन क्या था, ये देखिए सूरत विभाजन क्या था, क्या दिक्कतें थी, ये सूरत विभाजन पे आंसर अभी से आपको सिमुलेशन करना है, उस एनवायरमेंट में प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपको आंसर लिखना है, राइट। डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ यवन इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर, सो दिस इज एन आंसर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे यवन एंड विजन का क्या इंपैक्ट पड़ा, राइट। सो दिस इज द बटन ऑन आंसर राइटिंग चैलेंज, जो भी अच्छा लिखेगा उसके आंसर इसमें फिर पब्लिश होंगे, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं आप ईयर वाइज देख सकते हैं। एमपीपीएससी में 3 बार हमारे यहाँ से टॉप कर चुके हैं फॉर डिप्टी कलेक्टर, दीज आर द 3 टॉपर्स फ्रॉम आवर यूनिक आईएएस, बाकी रिजल्ट्स पूरे दिए हुए हैं। नाउ लेट्स कम टू द कंटेंट पार्ट, जो हम बात करें कि हम जब पढ़ाई करेंगे तो क्या उसमें हम डेप्थ रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि खाली हमने बस एक चैप्टर का नाम दे दिया, तो ना आई शो यू कि जैसे हमने हिस्ट्री उठाया, एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री का मॉड्यूल उठाया, दिस इज ए मॉड्यूल ऑन एंशियंट हिस्ट्री, सो दिस इज द टॉपिक, जैसे पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, द ब्रॉन्ज एज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वैदिक एज। अब जैसे हमने उठाया पेलियोलिथिक एंड द मेसोलिथिक एज, जैसे हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, तो किस तरह से वो एजेस होती हैं, क्या स्पेशलिटी है, किस तरह के टूल्स यूज करते थे, और हाउ ह्यूमन बींग्स टर्न फ्रॉम होमिनाइड टू द होमो सेपियंस, वो पूरी हिस्ट्री विद ग्राफिक्स। वट आर द माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म औजार क्या थे, किस तरह से कट करते थे उससे, द न्यूलिथिक यानी नवपाषाण काल, किस तरह के सेटलमेंट थे, दिस इज ए साइट एट बुर्ज होम वेयर ह्यूमन बींग यूज टू लिव इन पिट, नोन एज द पिट ड्वेलिंग, यहाँ मानव गर्तावास करता था, एंड अपार्ट फ्रॉम नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स वी आर बरीड, बट द आर्ट एंड आर्ट वर्क ऑफ देयर डेली यूज वी आर ऑल्सो बरीड। तो जब आदमी की मृत्यु होती थी तो उसके शव के साथ साथ जरूरी चीज़ें भी दफन कर दी जाती थी, तो क्यों दफन कर दी जाती थी, बिकॉज पीपल बिलीव ऑन लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये सारी डिटेल के साथ पूरा विद लॉजिक कराते हैं। ये कैलकुलेटिक टूल्स है जो मिले हुए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक एक साइट उसकी, मोहनजोदड़ो कहाँ है, हड़प्पा कहाँ है, दिख रहा है हड़प्पा, एक एक साइट पूरी ग्राफिक्स के साथ कराएंगे, कोई भी चीज़ कराएंगे तो। देन दीज आर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, जहाँ पे कुछ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स थी उनको पूरा बताते हैं, कंपेयर करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से। देन इंडस सिविलाइजेशन की एक एक स्पेशलिटी, टेक्नोलॉजिकल स्पेशलिटी, 1.7 mm का स्मॉलेस्ट डिवीजन था इंडस वैली में, 1.7 mm जो आइवरी स्केल पे मेजर करते थे ताकि वो लंबाई में अंतर ना आए, हाथी दांत का स्टैंडर्ड पैमाना था 1.7 mm का। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो पूछे इंडस की स्पेशलिटी बताओ, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स की बताओ, चाहे साइंस की बताओ, हर चीज़ तैयार की हुई है,
ये इनके वेट्स हुआ करते थे स्टैंडर्डाइज। ये आप सबने देखा होगा जब हम स्पेशलिटीज में पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में कि क्या नाम है इनका, ही इज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला पुरुष। तो खाली हम इस एक स्टैच्यू से इंडस वैली की पूरी सोशल लाइफ निकाल सकते हैं। दिस इज आवर वे ऑफ टीचिंग। लाइक हम देख रहे हैं कि इनकी जो दाढ़ी है वो प्रॉपरली ट्रिम्ड एंड कोम्ड है, यानी देखिए दाढ़ी कटी हुई है और कंघी की हुई है, दैट मीन्स उस जमाने में काटने के औजार थे, कैचिया वगैरह इस तरह की चीज़ होती थी और उस समय में कंघियाँ होती थी, कोम होती थी। फिर आप देख रहे हैं उनके ऊपर देखिए हेड जो है, हेड बैंड है और हेड शेव्ड है, इट प्रॉबली टेल्स द काइंड ऑफ फैशन दे यूज टू फॉलो। आ रहा है सामने, ऊपर ऐसा पटका बांधा हुआ उन्होंने खूबसूरत सा, यहाँ पे कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन्स रखते होंगे वो। देन उनकी नाक देखिए कितनी चौड़ी है, इससे पता चलता है किस एथनिक ग्रुप के रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन बना भी है तो किस एथनिक ग्रुप के रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द देम ए मेजर ऑफ देम माइट दे बिलोंग टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट ग्रुप, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट जिस नस्ल के गौंड होते हैं ना उस नस्ल के हैं ये लोग बेसिकली। देन आप देख रहे हैं किस तरह से शॉल लिया हुआ उन्होंने, एक कंधे में शॉल ऊपर और एक कंधे में शॉल नीचे, जो कि एक बड़ा फैशन वियर के तौर पे आज भी हम लोग कई बार शॉप में वो शॉल ले लेते हैं। देन हाथ में भी देखिए एक बाजूबंद बांधा हुआ है, तो पूरा एक फैशन और सोशल लाइफ निकाल लिया कि पीपल वर वेरी फैशनेबल। और साथ में देखिए आंखें कैसी होंगी, पूरी बंद नहीं है, आधी बंद है आधी खुली है, ध्यान तो कहीं ना कहीं ध्यान समय रहा होगा। पूरी एक डांसिंग गर्ल से हम काफ़ी सोसाइटी के बारे में चीज़ें निकाल लेते हैं, तो ऐसा एक एक ग्राफिक्स लेके उससे पूरे हमको काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं इंडस वैली के बारे में। सी दिस इज द मदर गॉडेस, शी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉडेस ऑफ इंडस वैली। और ये जो आपने पढ़ा ये थे रॉयल प्रीस्ट, शाही पुजारी भी कहते हैं, दाढ़ी वाला पुरुष भी कहते हैं इनको। ये एक साइड बहुत कुछ बयां करती है, तो वो एक साइड हम बता के फिर उससे एक जनरलाइज चीज़ें निकाल देते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जब सबने सुनी होगी, दिस इज द एक्चुअल स्क्रिप्ट जिसको बोला जाता ब्रॉस्टोफिडन पैटर्न या गोमूत्र शैली की थी, ये इस तरह की होती थी। देन कहीं पे इंडस वैली में एक बॉडी गाड़ी हुई है, कहीं दो गाड़ी हुई है, वो पूरा एक एक हम बताते हैं कहाँ पर क्या पोजिशन थी अलॉन्ग विद ग्राफिक्स। ये देख रहे हैं यहाँ पे दो शव गड़े हुए, तो ब्यूरियल्स उनके कैसे थे। देन पॉटरी पे क्वेश्चन बना हुआ है, सो दिस इज ऑन द इंडस वैली पॉटरी। देन फाइनली द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली। देन आप ध्यान दीजिए प्री हिस्ट्री आर्ट में फुल क्वेश्चन बना हुआ है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री हिस्ट्री आर्ट। इस तरह की आर्ट थी प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री आर्ट का मतलब है अबाउट देयर पेंटिंग, अबाउट देयर पॉटरी, यानी उनकी चित्रकारी, उनकी बर्तन पे जो उन्होंने तराशा उस चीज से। और इससे बहुत कुछ पता चलता है उनकी सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पता चलता है। देखिए ये भाला हाथ में लिया हुआ, लिखा दिखा, तो कहीं ना कहीं हंटिंग सीन है ये। दिस शोज द कम्युनिटी लाइफ, कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। दिस इज द प्री हिस्टोरिक आर्ट, ये देखिए चौपड़ है एक्चुअली, उस जमाने का चौसर है, तो ये इंडोर एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज होता था। नंबर ऑफ दीज पिक्स आर फ्रॉम द भीम बेटिका विच इज इन डिस्ट्रिक्ट रायसेन क्लोज टू मध्य प्रदेश, भीम बेटिका विच इज ऑल्सो नोन एज द विंध रॉक शेल्टर, विंध रॉक शेल्टर भी कहते हैं, विंध्याचल की रेंजेस में आता है। देन एक एक पॉटरी किस तरह से डेवलप हुई, ओ सी पी दैट इज ऑकर कलर्ड पॉटरी, गिरू वर्णीय मृत भांड, फिर ब्लैक एंड रेड वेयर काला और लाल बर्तन, फिर पेंटेड ग्रेवियर, एक एक इवोल्यूशन हुई है पॉटरी, धीरे धीरे पॉटरी फाइन होती गई है। और इनमें सबसे फाइन पॉटरी है एमपीपी, नदन ब्लैक पॉलिश हुए। तो किस तरह से वो पॉटरी इस तरह से इवॉल्व हुई, और देख रहे हैं आप ये पेंटेड ग्रेवियर पे, ये एकदम फाइन ग्रेन से बनी हुई है पेंटेड ग्रेवियर। सो दिस इस तरह से पूरा बता दें, उनमें सबसे बेस्ट पॉटरी है इनकी नदन ब्लैक पॉलिश वेयर, जो एज ऑफ गुप्त
सॉरी जो एज ऑफ गौतम बुद्ध के समय पाई जाती थी. ड्यूरिंग बुद्धा वी फाइंड विच पॉटरी एनबीपी. स्ट्रेट क्वेश्चन बना हुआ, किस काल को इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ओपदार मृद्भांड. विच एरा इज नोन एज द एरा ऑफ एनबीपी, द नदन ब्लैक पॉलिश वेयर. द करेक्ट आंसर इज द एज ऑफ गौतम बुद्धा. आप पेपर सॉल्व करिए, बने हुए क्वेश्चन. विच एज इज नोन एज द एज ऑफ पेंटेड ग्रे बियर्ड. बोलिए, द लेटर वैदिक एज. लेटर वैदिक एज की पॉटरी याद आ रहा है? तो वही मैंने कहा था कि वो ऊपर आप ये नहीं समझिए कि हमने सिर्फ चैप्टर्स के नाम दे दिया, आप हमारे मैटर कंपेयर करिए, कहीं से भी करिए. देन किस तरह से वैदिक एज आया, आर्य कहाँ से आए, उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन. तो नीड नॉट टू टेल यू. देन साथ साथ हम उसमें उससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास वीडियोज़ हैं, सो वी शो द वीडियोज़ ऑल्सो. जैसे हमको पेलोलिथिक एज बताना है या मोहनजोदड़ो बताना है, कुछ भी बताना है, जैसे पेलोलिथिक एज. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनव भार्गव. सेकंड प्रोटो हिस्ट्री दैट इज इवन विद सोर्सेज बट अनेबली यूज बाय द हिस्टोरियंस, एंड नाउ द नॉर्मल हिस्ट्री विच वी ऑल नो दैट इज विद रिटन रिकॉर्ड्स एंड विच वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड. So the history of human settlements in India goes back to the prehistoric times. There is no written records are available for the prehistoric period. However, plenty of archaeological remains are found in different parts of India to reconstruct the history of this period. And they include stone tools, pottery, artifacts and metal implements which are used by the prehistoric people. And in India, the prehistoric period is divided into Paleolithic, Mesolithic, Neolithic age and the Metal age. However, these periods are not uniform throughout the Indian subcontinent, and the dating of the prehistoric period is done scientifically. The technique of radiocarbon dating method is commonly used for this purpose, and it is based on measuring the loss of carbon in organic materials over a period of time. And another dating method is known as dendrochronology. It refers to the number of tree rings in the wood. That is, by counting the number of tree rings in the wood, the date of the wood is arrived at. So let us see the timeline of events. First we have Paleolithic age starting from 2 lakh BC to 11,000 BC. Then we have Mesolithic age from 11,000 to 10,000 BC, followed by Neolithic age, Chalcolithic age and so on. Here Paleolithic age is further divided into lower, middle and upper Paleolithic age. And in this video we are going to talk about. Yeah, we want to study about the Mahajanapad era or say the Mohenjo-daro. The ancient city of Mohenjo-daro is one of the best preserved city of the Indus civilization, the earliest known civilization of the Indian subcontinent. Mohenjo-daro was built around 2500 BC, about the same time the Great Pyramids were being built in Egypt, and it spanned a surface area of nearly 500 acres, an incredible size for a city of this time period. Because of Mohenjo-daro's grand scale, archaeologists believe it may have served as a seat of power for the Indus civilization. The city was divided into two districts, the citadel and the lower town. The citadel is home to the city's exceptional monuments, including the Great Bath, a 900 square foot tank fed from the Indus River. Mohenjo-daro also had a sophisticated water system. Houses had baths and toilets, and the town featured both an elaborate sewage system and fresh water in 700 wells throughout the city. The Roman baths, some of history's most famous waterway systems, weren't constructed until many hundreds of years after Mohenjo-daro's Great Bath. Mohenjo-daro has no places of worship or governance, such as palaces, royal tombs, or temples. This may indicate that the society was not built around state interests like the Egyptian and Mesopotamian societies of the time. Rather, the class structure of Mohenjo-daro may have been relatively equal. The city's second district, the lower town, may demonstrate the society's egalitarian structure. The lower town, with its intricate water system, was home to between 20,000 to 40,000. Hello friends, welcome.
Gandhara School, Gandhara. Mathura School of Art. Ancient Takshila. Main se bhi question bana hua hai. Gandhara Art mein what happened? The book. Ek note se bhi pura detail rehta hai aur waise bhi pura graph hai. The vortex that formed a part of the core lifestyle of the Vedic people are the Rig Veda, the Sama Veda, the Yajur Veda, and the Atharva Veda. The Rig Veda is a collection of 1028 hymns dedicated to the Hindu deities and cosmology. It is the world's oldest religious text that is still in use. It also talks about the nature of God and the virtue of charity. The Sama Veda and cows were the two most important animals of this age, and cow was deemed aghanya, meaning it can't be killed. Curd, butter and ghee, as well as meat of fish, birds and animals, formed an important part of their appetite. Their lives were mainly nomadic, and although items of wool and leather were used for trade, its impact on their economy was negligible. Cattle and goats. So similarly, if you want to see the depth in the medieval history, so say this is the list of the topics which are given in the notes. Like the first is the tripartite struggle, tripakshi sangharsh ka kaal. To wo teen paksh kahan kahan the, kis tarah se struggle hua unke bare mein, kaun kaun si universities bani us era mein, to pura detail. Then what kind of art and culture was produced during that age. Ek jaise aaya ki this age has given a new kind of architecture, that is maru gurjara style. आप सबने सुना होगा द नागर स्टाइल, द बेसर स्टाइल, बट हैव यू हर्ड अबाउट द मरु गुजरा स्टाइल? दिस इज द मरु गुजरा स्टाइल. तो जो अल्टीमेट चीजें हैं वो हमारे नोट्स में, जो नागर स्टाइल बेसर स्टाइल वो तो बहुत डिटेल में है ही नोट्स में. सो दिस इज द मरु गुजरा स्टाइल विच हैज द झरोखा, द छत्री, द हवेली सिस्टम, द बाउली. बाउली मीन्स the ring bells, the step bells, the ring bells. That this is the system which gave the Devadasi system. Then similarly the Chola, about the Chola architecture, Chol Kal mein kya kya hua. Chol Kal mein ek naya game aaya tha Silambam India mein, uski detail thi. Pura Chol architecture, Rajput era. जैसे आप सबने मुगल बहुत सुना होगा, तो एक मुगल्स के बारे में बताते हैं आपको कि क्या डेप्थ रहती है. जैसे मुगल एम्पायर, नॉर्मली हम मुगल को पढ़ते हैं, बट डू वी नो कि ड्यूरिंग मुगल्स वी वेयर वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 25% ऑफ द GDP ऑफ द वर्ल्ड. एंड ड्यूरिंग औरंगजेब the area covered by Aurangzeb was 1.2 times more than what Indian government is claimed to have area under its authority. Mughal kal mein hamara jo sakal gharelu utpad tha wo duniya ka lagbhag 25% tha, itne prosperous the. Mughal kal mein, Mughal Aurangzeb ke samay mein humne jitne kshetra par rule kiya tha wo aaj ke kshetra ka 100 guna hai lagbhag. So before arrival of the British, we were one of the huge economies of the world. We are the huge exporters in the world. But it is because of the British impact, this economy turned into a pauper economy because of the drain of wealth. जो संपदा की निकासी हुई, उसके कारण कैसे हम गरीबी में परिवर्तित हुए, वो सारी डिटेल के साथ कराते हैं. So this is about the first ruler, the Babur, उसकी पूरी डिटेल. और एक एक रूलर के टोम्स के साथ, दिस इज द बाबर स्टोमेट काबुल, दिस इज द हिमायू स्टोमेट दिल्ली, इट इज नो यू नो
दिस इज द अकबर टोम एंड सिकंदरा, फिर किन किन के टोम इंडिया के बाहर हैं वो भी पूरा एक एक डिटेल पूरा, देन बाबर उसका अचीवमेंट, देन हुमायूं अचीवमेंट, शेरशाह सूरी उनका अचीवमेंट, शेरशाह ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन में क्या योगदान था, रेवेन्यू में क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था. दिस इज द ओल्ड फोर्ट ड्यूली ऑफ डेली. दिस इज द इंडियाज मोस्ट सॉरी दिस इज द टोम ऑफ ससाराम ऑफ शेरशाह सूरी एंड दिस इज द ओल्ड फोर्ट ऑफ डेली. बोथ आर करेक्ट, बोथ फैक्ट्स आर करेक्ट, बट वट आई वॉन्ट टू टेल यू कि बिफोर द ताजमहल द इंडियाज मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग वॉज द टोम ऑफ शेरशाह सूरी एट ससाराम. दिस इज द बिल्डिंग. तो ये लाल किला है, ये उनका खुद का मकबरा है, ये उन्होंने खूनी दरवाजा बनाया था, एक इस पर क्वेश्चन है. शेरशाह वॉज द पर्सन हु स्टार्टेड रुपया, यहाँ से रुपया शब्द आया हिंदुस्तान में, ये क्वेश्चन भी आई एस में बना हुआ है, पीएससी में बना हुआ है. ही स्टार्टेड रुपया. देन अकबर की पॉलिटिकल अचीवमेंट, वाई अकबर हैड ए राजपूत पॉलिसी. अकबर हैड थ्री चॉइसेस. आपने सुना होगा ना अकबर की राजपूत नीति, कि नहीं सुना? सुना है या नहीं सुना? तो मैं कह रहा हूँ अकबर के पास तो तीन चॉइस थी. ही कुड हैव बी फ्रेंडेड मराठाज, ही कुड हैव बी फ्रेंडेड द अफगान, ही कुड हैव बी फ्रेंडेड द राजपूत. वाई डिड ही पिक अप द राजपूत? सो विद रीजन, हर चीज पूरा साइंटिफिक रीजन के साथ मिलेगा कि राजपूतों के लिए ही क्यों पॉलिसी बनाई, मराठों के लिए क्यों नहीं पॉलिसी बना दी, अफगानों के लिए क्यों नहीं बना दी, और राजपूत पॉलिसी क्या बोल डायरेक्शन थी या सिंगल डायरेक्शन थी. सो ऑल डिटेल अबाउट दैट. शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, इनिशियली ही वॉज थिंकिंग अबाउट द मराठा पॉलिसी, बट द मराठा कुड नॉट बी ट्रस्टेड. ही कुड हैव गॉन फॉर एन अफगानिस्तान पॉलिसी, बट अगेन द मुगल एम्पायर वॉज बिल्ट एट द टोम ऑफ द अफगान्स. सो ही डिड नॉट, ही कैंसल्ड द अफगान पॉलिसी. यानी अकबर जो था वो मराठों को भी मित्र बना सकता था, लेकिन उसकी नज़रों में मराठों पर विश्वास करना मुश्किल था. अकबर अफगानियों को, अफगानों को भी मित्र बना सकता था, लेकिन दिल्ली में जो अंतिम हुकूमत है वो अफगानियों की थी, और अफगानियों की कब्र पे ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी. अफगानियों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था. फाइनल बचे राजपूत, हु कुड बी ट्रस्टेड, हु कुड बी डिफेंडेड, एंड दे हैव स्ट्रेटेजिकली बेटर पोजिशन. तो ऐसे हर चीज को पूरा लॉजिक के साथ, पूरा ऐसा कि आप अकबर की राजपूत पॉलिसी पे फुल लिख दो आप. अकबर की रिलीजियस पॉलिसी पूरी, देन क्या रिलीजियस हारमोनी के लिए अकबर ने क्या क्या किया, नाइन जूल्स ऑफ अकबर, नौ रत्न कौन कौन से थे उनके, उनकी नौ रत्नों के क्या क्या अचीवमेंट थे. अकबर वाज हिमसेल्फ ए वेरी गुड नक्कारा प्लेयर, अपने आप में नक्कारा बहुत अच्छी बजाते थे वो, ये है नक्कारा. जबकि औरंगजेब क्या अच्छी बजाते थे, औरंगजेब सितार अच्छी बजाते थे, हालांकि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था. औरंगजेब वॉज द रूलर हु बैंड द पब्लिक सिंगिंग, ऑल्दू ही वॉज हिमसेल्फ ए गुड सितार प्लेयर. जहांगीर की पूरी अचीवमेंट, जहांगीर वॉज द पर्सन, देखिए उसने ये सिक्का जारी किया था, ही हैज इशूड ए गोल्ड कॉइन इन विच ही शोन विद ए वाइन ग्लास, हाथ में शराब का पैमाना लिया हुआ देखिए दिखाया गया है. जहांगीर वॉज द पर्सन ही हैज इशूड कॉइन्स ऑन द हिंदू जोडिक साइंस. ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं अगर पेपर सॉल्व किया. हिंदू जो 12 राशियां हैं उन राशियों के सिक्के मुगल में किस बादशाह ने जारी किए, जहांगीर ने. ये राशियों का सिक्का, ये टोम ऑफ जहांगीर लाहौर, ये टोम ऑफ औरंगा और औरंगजेब एट खुल्दाबाद. शाहजहां की अचीवमेंट, औरंगजेब का ये एम्पायर था जो आज के हिंदुस्तान के एम्पायर के सवा गुना से ज्यादा है. औरंगजेब की पूरी अचीवमेंट, औरंगजेब ने वॉर में भी कुछ नई नई चीजें लाया था, जैसे मंजनीक्स, द स्टोन थ्रोइंग कैटापल्ट, दीज आर द ह्यूज स्टोन थ्रोइंग कैटापल्ट्स.
फिर मुगलों की जो स्पेशलिटी थी उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका मनसबदारी सिस्टम, जमींदारी जागीरदारी में अंतर, ये अकबर के समय का ये गोल्ड मेहराब था जिसका मोहर नाम था, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है इस तरह से, ये स्क्वायर नहीं था, सिक्स साइड्स थी इसकी। देन पेंटिंग ड्यूरिंग द मुगल्स, ये एक एक पेंटिंग की खासियत, किसके काल में क्या पेंटिंग था। आप सबने सुना होगा कि किसके काल को बोलते हैं कि साहब द गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, द एरा ऑफ जहांगीर। तो पूरा जहांगीर के काल का जो कलाकार है उस्ताद मंसूर, ये उस्ताद मंसूर की बनाई हुई नीलगाय, उस्ताद मंसूर वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो डेप्थ में जो भी है, डेप्थ में दिस इज ऑल मुगल आर्किटेक्चर, ये दिस इज द बाबरी मस्जिद जिसको लेके आज भी प्रॉब्लम बनी हुई है, सो मुगल आर्किटेक्चर। दिस इज हिमायूं टॉम एट ड्योली, बुलंद दरवाजा आज भी हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा दरवाजा, टॉम ऑफ एतमाद दौला। और मुगल काल में ये पीतरा दूरा वर्क हुआ करता था, आप में से कोई बताएगा पीतरा दूरा क्या, क्वेश्चन बना हुआ। दिस इज नॉट ए पेंटिंग, दिस इज आर्ट ऑफ इनलेइंग सेमी प्रीशियस स्टोन आफ्टर मेकिंग द होल्स, यानी एक संगमरमर की पैनल में एक ज्योग्राफिकल एंड फ्लोरल डिजाइन बना दिया, फिर उसमें गैप बनाया ये, और गैप बना के फिर इस खांचे में पत्थर भरे ऊपर से ठोक दिया। सो दिस इज एन इनले वॉक विच इज नोन एज पीतरा दूरा, एंड दैट इज द रीजन ताजमहल में बोलते हैं जो जितने भी आर्ट वर्क है इतने साल तक क्यों सर्वाइव है, दैट आर्ट वर्क इज नॉट पेंटिंग, दैट आर्ट वर्क इज मोस्टली द पीतरा दूरा, संगमरमर के अंदर पत्थर फंसे हुए। एक एक डिटेल ये आपने सुना होगा, तख्ते ताउस द पिक ऑफ थ्रोन, दिस इज तख्ते ताउस, इसको नादिर शाह बाद में ले गया था, शायद इसी बार क्वेश्चन है या एक दो साल, एक साल पहले का क्वेश्चन है कि मुगल टाइम में कौन सा ऐसा बंदा आया था जिसने ये पिक ऑफ थ्रोन को पूरा एनालाइज किया, और जो ज्वेल मर्चेंट था। दिस इज दीवान खास, दीवान खास में ये लाइन है, अगर फिरदौस बरे बरुए जमीनस्त अमीनस्तो 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 अमीनस्त, इफ देर इज किंगडम ऑफ हेवन्स ऑन अर्थ इट इज हियर एंड हियर, दीवान खास, ताजमहल, पूरी ताजमहल की डिटेल। दिस इज बीबी का मकबरा, ताजमहल का जितना भी वेस्ट था उस वेस्ट को औरंगजेब ले गया था औरंगाबाद, और उस सारे वेस्ट मटीरियल से उसने अपनी वाइफ की याद में बनाया था बीबी का मकबरा, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड ताज। सो दिस इज हाउ, एक चीज डिटेल में देखनी है अपने को, और साथ में बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं ताकि आपको चीजें अच्छी लगें, चाहे राजपूत हो, भक्ति हो, दिल्ली सल्तनत। हेलो दोस्तों, स्वेज ग्राउंड में आप ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो की माला है, जो की स्टोरेज जो थी, प्रोमिनेंट किंगडम्स ऑफ द आल्सो नोन एज राजराजा द ग्रेट, खुद रिकॉर्ड है, इंडिया ने कभी कभी फॉरेन इन्वेजन नहीं किया, सब बोलते हैं पिछले 5000 साल व्हाटएवर अटैक्स वर देयर, देयर अटैक्स वर ऑन इंडिया, इंडिया नेवर अटैक, बट चोला इज एन एक्सेप्शन, चोला अटैक एंड कंक्वर्ड नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग द मालदीव्स, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, दैट इज इंडोनेशिया, दिस इज एन एक्सेप्शन, दे हैड कंट्रोल ऑन नंबर ऑफ ओवरसीज कंट्रीज। His greatest achievement in music, carved bronze statues, the Nataraja and the Ardhati, trade with Southeast Asia aroused with many diplomatic missions sent to China. Around the year 1118, however, the Chalukya Chola rulers lost control. If we talk about the modern history is a history in which there are questions in pre as well as in mains.
मुख्य परीक्षा में भी बहुत प्रश्न बनते हैं इससे. सो दिस इज द लेक्चर ऑन दीज आर द टॉपिक्स ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री. एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस है विद पूरा ग्राफिक्स. जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. तो पहले हमने यही डिस्कस किया हुआ है कि इज इट ए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. आप लोग बताइए क्या मानना है आपका. वही हम डिस्कस करते हैं. इट वॉज नीदर फर्स्ट नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. कैसे आपको करना है. देन वट वर द मेजर इवेंट्स इन द रिवोल्ट. क्या क्या रीजन्स थे रिवोल्ट के. कहाँ कहाँ रिवोल्ट के हॉट पोजिशन थे. एक एक पोजिशन दिखाते हैं रिवोल्ट ताकि आपको प्री का आंसर बेटर कर सको. आप देख रहे हो ज़्यादातर रिवोल्ट जो है नॉर्थ इंडिया में. सेंट्रल इंडिया में नागपुर और फिर साउथ में कुछ जगह पर. देन बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट. देन किस जगह पे रिवोल्ट के कौन से लीडर थे. आप देखो इससे आपका प्री का भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. देन व्हाट वर द काजेज ऑफ द अनसक्सेस ऑफ द रिवोल्ट. और फाइनली रिवोल्ट के क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़े. तो कोई भी चीज़ उठाएं हमको डिटेल में ही डिस्कस करना होता. सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन नेशनलिज्म इन इंडिया. जैसे हम उठाएं जलियांवाला. तो पूरा रीजन के साथ व्हाई द मीटिंग वॉज कॉल्ड. जलियांवाला की मीटिंग क्यों कॉल की गई थी. बिकॉज द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ पंजाब डॉक्टर सतपाल एंड किचलू वेयर इन प्रेजेंट. दे वेयर अरेस्टेड वेन वी आर अपोजिंग द रूलेट एक्ट. इसलिए बुलाई गई थी. देन वॉट वॉज द सिचुएशन. इतना क्या खासियत थी सिचुएशन की. देर वॉज अ रूल ऑफ मार्शल लॉ. पंजाब में उस दिन मार्शल लॉ लग गया था. पीपल वेयर अनअवेयर अबाउट दैट. एंड हु वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब दैट टाइम. माइकल ओडायर. यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो मैं दूर करने जा रहा हूँ. हु वॉज द गवर्नर. माइकल ओडायर. इसने गोली नहीं चलवाई. फील्ड पर थे कर्नल आर डायर रेग्नॉल्ड डायर. इसने गोली चलवाई. फिर जब गोली चली तो क्या सर्कमस्टांसिस थे. क्या खामियां थी. उसको हम फिर वीडियोस के साथ भी सपोर्ट करते हैं. बहुत सारे वीडियोज़ हैं. अराइवल ऑफ यूरोपियंस. रिवोल्ट ऑफ 1857. ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. जैसे जलियांवाला. This was the only narrow inlet and outlet of Jallianwala. Same. And he is not Michael O'Dyer, he is R. Dyer. But if we riot, if we fight back, if we fight back, these people inside Jallianwala were unarmed. Unarmed. जबकि डायर का कहना था कि दे वर कॉन्स्प्रेसिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. दे वर अनआर्म्ड. दे वर नॉट कॉन्स्प्रेसिंग. इन जनरल दे वर टॉकिंग. एंड दिस गैदरिंग हैव चिल्ड्रन एंड वीमेन. ऐसे देखोगे तो दिमाग में थ्री डायमेंशन चीज़ें बनती हैं कि क्या क्या डायर ने गलती की. क्योंकि आगे अब कमेटी आने वाली है हंटर कमेटी जो डायर के बारे में एक डिसीजन ले. अब देखिए नो प्रॉपर वार्निंग इज गिवन. नो वन इज हैविंग आर्म्स. अब सीधे ऑर्डर दे रहा है और गोली चलवा रहा है. Stop! 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 St
We must have the courage to take their anger. Travel to Major. Should we issue a warning, sir? They've had their warning. Should we give them warning? He's saying they have their warning. Without a proper warning, he started open no fire. Meetings. This is the Welsh people jump. फायर में कभी भी लोग अगर जान बचा के लड़की औरतें भर रही हो तो भाग रही हो तो फिर उन पर फायर नहीं होता, बट उसने उन पर भी बोला कि नहीं इन पर भी फायर करो. और ये फायर हमेशा मॉब को डिस्पर्स करने के लिए जरूरी हो तो किया जाता है. ऑलरेडी डिस्पर्स है, उस पर क्या आप फायर कर रहे हैं? सो नंबर ऑफ मिस्टेक्स. So this is how, चाहे माउंटबेटन प्लान हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी चीज हो, एक तो हम इन डेप्थ मैटर देंगे और साथ में सपोर्टेड बाई वीडियोस. आप में हिस्ट्री का छात्र कौन है? समवन फ्रॉम हिस्ट्री? आप कोई टॉपिक का नाम लीजिए, मॉडर्न में भी खुला हुआ है. पूरे मेंस के आंसर भी सॉल्व है बीच बीच में. जैसे कि एक छोटा सा टॉपिक उठाए हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक हमने उठाया है, हाँ सहयोग आंदोलन. तो सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बताइए क्या रीज़न है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का? नॉर्मल बुक्स में लिखा है कि जलियांवाला ट्रेजेडी, नॉर्मल बुक्स में लिखा, बट डू यू नो इट वॉज नॉट स्टार्टेड आफ्टर जलियांवाला. It started 1.5 years later to Jallianwala. Jallianwala तो हो गया था April 1919 में और ये कहीं start हुआ September 1920 में. ये Jallianwala के बाद start नहीं हुआ. Congress waited the report of the Hunter Committee. When Hunter Committee, the British Committee, Hunter Committee, when it could not give proper punishment to Dyer, तब गांधी जी ने start किया non-cooperation. मतलब जो हम ऊपर जलियांवाला बता रहे थे ना, जैसे जलियांवाला, तो व्हाट व्हाई द मीटिंग वाज कॉल्ड, व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वेयर द इफेक्ट्स, गांधी जी ने क्या कहा, कौन कौन से टाइटल्स त्यागे गए इसमें, आफ्टर दैट विच कमेटी वाज क्रिएटेड, हंटर कमेटी, फिर हंटर कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया, वो फिर उसको वीडियो से आपको क्लियर हो गया कहाँ कहाँ गलती, कमेटी ने क्या क्या उसकी चीज़ पॉइंट आउट नहीं कर पाया. देन क्या ब्रिटिश रिएक्शन आज तक का क्या है, इवन टुडे 2019 तक का ब्रिटिश रिएक्शन है हमारे पास. None of the British Prime Minister, even the Theresa May, few days back तक जो PM थी, उन्होंने कभी भी इसको लेके इतना तो कहा, इसे shameful scar, but nobody had a formal apology. And finally लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि जनरल डायर की हत्या का बदला ऊधम सिंह ने ले लिया और जनरल डायर को मार दिया, तो दिमाग में वो भी चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जनरल इस वाले डायर को नहीं मारा, वो मारा था माइकल ओडायर लंदन. देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जैसे मूवमेंट है, तो क्या रीजन थे, एग्जैक्ट रीजन क्या थे? बेसिक रीजन था ब्रिटिश अनेबल टू गिव ड्यू पनिशमेंट. देन जलियांवाला में मेन मेन इवेंट्स क्या हुए? देन व्हाट वाज द प्रोग्राम लॉन्च इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, समझे ना? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, पहली चीज क्या कारण थे, दूसरी चीज क्या क्या इवेंट्स हुई, तीसरी चीज है क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च हुए इनमें डिफरेंट पार्ट्स में, एक एक साउथ के भी पूरे कवर्ड हैं. देन हाउ व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट एंड हाउ इट बिकेम द पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूरा खिलाफत उसकी डिटेल.
फिर उसको डिफरेंट एंगल से भी हमने डिस्कस किया हुआ, आप समझें खिलाफत एक इट वॉज अ रिलीजियस मैटर, कम्युनल मैटर, एंड गांधी जी इंक्लूडेड ए कम्युनल मैटर इन टू अ नेशनल मूवमेंट। अब उसको डिफरेंट एंगल से भी हमने एनालाइज किया हुआ नोट्स में कि महात्मा गांधी सपोर्ट टू खिलाफत मूवमेंट हैड डाइल्यूटेड द सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ऑफ द मूवमेंट। इज इट ट्रू टू से एक सांप्रदाय के विषय को राष्ट्रवाद में शामिल कर महात्मा गांधी ने भारतीय सेक्युलरिज्म को कहीं आघात पहुंचाया? उस एंगल से भी डिस्कस करना, ये तो गेटिंग नॉट गेटिंग, मतलब हर चीज को पूरा सोचना है 360 डिग्री से, वो भी इसमें कवर्ड है। देन इसमें कुछ बेसिक लीडर्स थे ऐसे मूवमेंट्स के, वो भी उन पर भी क्वेश्चन बने हैं, वो भी कवर्ड है। अजमाल खां, हाकिम अजमाल खां, आपने शायद कम सुना है हाकिम अजमाल खां को। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ही इज़ द ओनली पर्सन, हाकिम अजमाल खां इज द ओनली पर्सन हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग एज वेल एज द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। एक ही देश का ऐसा आदमी है जो कांग्रेस का भी एक टाइम अध्यक्ष रहा था और एक टाइम बोलिए मुस्लिम लीग का भी अध्यक्ष रहा था। तो देन फाइनली एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरह से चौरी चौरा में एंड हुआ, और नॉट ओनली दैट व्हाट वी आर द रिएक्शंस। जब गांधी जी ने उसको एक सिंगल हैंडेडली डिसीजन लेके वापस ले लिया तो उसके क्या फिर रिएक्शन हुए, और गांधी जी के इस इम्पैक्ट का कांग्रेस पे क्या प्रभाव हुआ, तो कांग्रेस स्प्लिट हो गई। ऐसा पूरा डिटेल में डिस्कस होता है। एंड उसके अलावा अभी नॉन कोऑपरेशन ही चल रहा है, एक डिफरेंट एंगल से पूछे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसे एक एक मूवमेंट को साइंटिफिकली डिस्कस किया हुआ हमने, व्हाट वेयर द रीजंस, व्हाट वेयर द एजेंडाज, व्हाट वेयर द रिएक्शंस, ऑल पॉजिटिव पॉइंट्स दैट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वेयर द फेलियर्स, राइट। अब किसी दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, आपको हिस्ट्री में कुछ पूछना है, मॉडर्न में कुछ देखना चाह रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, दीज आर द चैप्टर्स की नेचुरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोजोग्राफिक जोन्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड द इकोसिस्टम, इस तरह से आप देख रहे हैं टॉपिक्स है। क्लाइमेट चेंज पे पूरा है, व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज, क्या उसको, व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है। अब ये एक एक चैप्टर जो दिया हुआ उसमें इनडेप्थ मटेरियल है कि जैसे नेचुरल एनवायरमेंट, व्हाट इज द नेचुरल एनवायरमेंट, व्हाट आर, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स आर देयर, द बिल्ट एनवायरमेंट, द नेचुरल एंड द सोशल एनवायरमेंट, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, किस तरह से एक्टिविटीज होती हैं इनसाइड अर्थ, किस तरह से प्लेटें टकराती हैं आपस में, और किस तरह से फिर कॉन्टिनेंट वगैरह बनते हैं, व्हाट इज द रिफ्ट जोन, लेक्स, लार्जेस्ट लेक्स, पॉन्ड्स, लैंडस्केप्स, एनवायरमेंटल आर्ट, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पर्सनल स्पेस एंड टेरिटरी, स्पेस ओवर टाइम ओरिएंटेशन, ये चैप्टर वन ही है। और इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तो आप देख रहे हैं साथ साथ ग्राफिक्स तो हैं, ऑल सपोर्टेड बाई द वीडियोज, जैसे किस तरह से प्लेट्स आपस में टकराती हैं उसका वीडियो है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स का है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फूड चेन, बायो एक्युमुलेशन, ऐसे रामसेर साइट, कोरल रीफ्स, ऐसे बहुत हैं, कार्बन ट्रेडिंग आजकल जिस पे क्वेश्चन बन रहा है, नॉइज पॉल्यूशन, ओजोन पॉल्यूशन, ऐसे IUCN, आप समझ रहे हैं हर चीज का, प्लेट मूवमेंट के बारे में, किस तरह से प्लेट्स टकराते हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं,
दुनिया में कहाँ कहाँ फेट है, कन्वर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, ये सी बेड बन रहा है डाइवर्जेंस से। देखिए मेरे हाथ की तरफ, जब प्लेटें अंदर टकराती हैं तो माउंटेन्स बनते हैं। जैसे हिमालय कैसे बना, बोलिए, कन्वर्जेंस से बना, प्लेटें टकराने से हिमालय बना। और जैसे आप हमारे पास में नर्मदा रिवर ही है तो नर्मदा नदी क्यों बनी, आप ध्यान दीजिए, हमारे सेंट्रल इंडिया का फ्लो किस साइड है, वेस्ट टू ईस्ट, पहले डिसाइड कर लीजिए सेंट्रल इंडिया का फ्लो किस साइड है, सेंट्रल इंडिया का फ्लो है वेस्ट टू ईस्ट, नर्मदा इज एन एक्सेप्शन। अब नाउ ताप्ती इज द एक्सेप्शन, व्हाई दे आर द एक्सेप्शन, बिकॉज दे आर द रिफ्ट वैली, आप समझ गए, भारत पश्चिम में ऊपर है पूर्व में नीचे है, तो दैट्स व्हाई वेस्ट इंडिया का 80% रिवर इधर दे फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, 80% ऑफ द रिवर फ्लो फ्रॉम इधर नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट, बट वाई नर्मदा एंड ताप्ती आर द एक्सेप्शन, बिकॉज दे आर द रिफ्ट वैली, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट, सेंट्रल इंडिया की प्लेट ऐसे दूर गई तो ये खाई बन गई, तो इसलिए वो उस खाई में बह रही है, वो रिफ्ट वैली में बह रही है। ये क्वेश्चन MPPSC में भी बना हुआ, भ्रंश घाट याद है क्वेश्चन बना हुआ, तो इन सब के पूरे ग्राफिक्स के साथ बताते हैं ये बन रही है डाइवर्जेंस वैली, एक एक प्लेट बहुत डिटेल में बताएंगे, नाइट्रोजन साइकिल्स कैसे होते हैं, फास्फोरस साइकिल कैसे होता है, फूड चेन कैसे काम करता है, फूड चेन, एनिमल्स आर हर्बिवोर, एनिमल्स आर हर्बिवोर, बायोकुमुलेशन ऐसे, वेटलैंड्स, रामसेर साइट्स, व्हाट इज रामसेर, व्हाट इज द रामसेर साइट, या बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द रामसेर साइट्स, जैसे दुनिया में यूनेस्को बोलते हैं ना, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट होती है ना, तो वैसे ही फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन देर इज ए इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ साइट लेक्स, सो दैट इज नोन एज द रामसेर कन्वेंशन साइट्स। दुनिया में वेटलैंड के कंजर्वेशन की सबसे बड़ी अगर कोई संधि है तो वह है रामसेर। रामसेर एक जगह है ईरान में तेहरान के पास, उसके नाम से रामसेर साइट, एंड देर आर जस्ट फ्यू लेक्स इन इंडिया, जो भोपाल की जो अपर लेक है दैट इज ए पार्ट ऑफ द रामसेर साइट विद द नेम भोज वेटलैंड रामसेर, एक वेटलैंड है, वेटलैंड साइड है, इन वर्ल्ड लेवल की साइट्स होती हैं रामसेर। वेलकम टू आवर चैनल पूरा वेटलैंड और रामसेर में कौन कौन सी साइट्स हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर G1 ऑन 1st अक्टूबर 1981 चिल्का लेक आपने सुना होगा, उड़ीसा की फेमस लेक है वो भी है, और एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, इन दोनों आईएएस में क्वेश्चन बने, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट में, वैसे ही फिर बायोडाइवर्सिटी, और आपको कोई क्वेश्चन है एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में, नहीं तो आपको मैं पॉलिटी के साइड आ जाऊं, पॉलिटी में हमने एक तो डिवाइड किया हुआ सेंट्रल और एक स्टेट, दो बड़े मॉड्यूल्स हैं, आपको मैंने फ्लो चार्ट दिखा दिया, सो these are the chapters, chapter 1 characteristics, 2 preamble, 3rd union and territory, 4 citizenship, 5th fundamental right, 6th directive principle, isme aapko particular kisi article ya koi aisi cheez aapko puchni hogi bhai isko aap kaisa deal karoge to aap puch sakte ho, I can show you, things are in very detail and the notes are, modules are according to your requirement. ये जैसे chapter 1 है characteristics, दुनिया में कहाँ से हमने क्या क्या सीखा, UK से इतनी सारी चीज़ें सीखी, USA से इतनी सारी चीज़ें, then number 2 is preamble, 3rd union and territory, केंद्र और संघ और उसके राज्य, पूरा हिंदी में भी है ये, जब आप बोलो हिंदी में देख लेना, fundamental right, article 12, 13, 14,
जैसे 14 है, 14 पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो आर्टिकल 14, फिर 14 की इम्यूनिटीज़ क्या हैं वो पूरा, 15, 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी डिटेल में, बिकॉज आर्टिकल 16 प्रोवाइड रिजर्वेशन, तो ये 16 देखिए इतना पूरा डिटेल में है। कोटा एंड गवर्नमेंट जॉब्स वो भी है, फिर सुप्रीम कोर्ट का 16 पे डिसीजन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डिसीजन आर्टिकल 16 पे, फिर आर्टिकल 16(4) भी, तो ऐसे ऐसे आर्टिकल खाली नहीं है इसमें, जो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन है कपल्ड विद दैट है, 17 अनटचेबिलिटी, उससे रिलेटेड क्या क्या एक्ट्स हैं, आर्टिकल 18 डिटेल में, आर्टिकल 19 देखिए काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो 6 काइंड ऑफ फ्रीडम इंक्लूडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू असेंबल और उनका डिटेल, फिर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो भी है इसमें, प्रॉक्सी वोटिंग टू ओवरसीज इंडियंस वो भी है इसमें, 21 पे आरटीआई से रिलेटेड, जो एनआरआई से रिलेटेड आरटीआई पे जो डिसीजन आया वो कवर्ड है, हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल 21 हाँ। और इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इंटरव्यू में आप उठा लीजिए ये क्वेश्चन है, वो पूरा डिस्कस है। और 21 से ही रिलेटेड हमने एक लॉ पास किया है, पैसिव इथनोसिया, इच्छा मृत्यु, वो भी पूरा कवर्ड है, तो खाली वो नहीं, हमारा नोट मॉड्यूल ऐसे बनेगा कि आपका प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के हिसाब से जो रिलेटेड डिसीजन कवर्ड है पूरे इसमें, तो पैसिव इथनोसिया कवर्ड हो गया पूरा, इवन आपको खाली पैसे वितरण से भी पूछा तो आप फुल आंसर लिख सकते हो, इतना है दुनिया में कहाँ कहाँ पैसे वितरण से आए, कहाँ कहाँ एक्टिव वितरण से आए, कहाँ कहाँ इलीगल है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे चार्ट दिया हुआ हमने, हमारे यहाँ सिर्फ पैसे वितरण से आए ओके किया है, एग्री किया है, अभी एक्टिव नहीं किया। देन आर्टिकल 21 पे एक डिसीजन आया बेगिंग के बारे में, अभी तक जो भीख मांगना अपराध था, अब उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ये उस पर डिसीजन है। देन चूंकि मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, इन पे इंटरव्यू तक क्वेश्चन बने, ये आर्टिकल 21 ही चल रहा है, तो जहाँ जितना है उतना डिटेल में फिर हम मैटर हमारा है। ऑनर किलिंग पे एक डिसीजन आया था 2018 में सुप्रीम कोर्ट का, वो कवर्ड है, आर्टिकल 21 चल रहा है, राइट। फिर 21 है राइट टू एजुकेशन, आरटी पे अभी क्या डिसीजन है, ऐसे हर चीज़ बड़ी डिटेल में कवर है इसमें, आप किसी भी उसमें देखना चाहें यू कैन सी, हर चीज़ बिल्कुल डिटेल में हमने जाके कवर की है। जैसे अवर पार्लियामेंट हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली तो जैसे स्टार्ट करते थे कि इन इंडिया वी हैव बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और वो कहानी स्टार्ट करते हैं, बट नहीं, हमारे यहाँ अवर पार्लियामेंट स्टार्ट किया तो सवाल है कि व्हाट इज़ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय प्रजातंत्र क्या होता है, एंड हाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डिफरेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेजिडेंशियल फॉर्म, ये मेन्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये स्टार्टिंग ही इससे की है। देन उन दोनों में अंतर समझने के बाद फिर एक मेन्स में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड अडॉप्टिंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में इसको क्यों स्वीकार किया, पहली चीज क्या थी, पहली बात डिफरेंस क्या, दूसरा हमने क्यों अडॉप्ट किया, फिर हमने अडॉप्ट किया ब्रिटिश से किया, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या अंतर, कुछ नहीं छोड़ा हमने। फिर अब उसके बाद जो मेजर आर्टिकल्स उससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो, फिर अब यहाँ से स्टार्ट हुआ राज्यसभा, पूरे राज्यसभा के एक एक डिटेल, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन एक एक चीज़ की डिटेल, फिर लोकसभा उसकी पूरी डिटेल, अगर आपसे इवन स्पीकर के बारे में भी कुछ पूछ लें तो उसके बारे में भी आप फुल लिख सकते हो, चेयरमैन के बारे में पूछे फुल लिख दो आप। देन सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट किस तरह से होते हैं साल में, सेंट्रल हॉल क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री वर्क की लिमिटेशन क्या है, संसद की लिमिटेशन क्या है, देन पार्लियामेंट्री कंसेप्ट्स, डिसॉल्यूशन, प्रोलोगेशन, वो सत्र अवसान करना, वो सब जो है एक एक चीज़ पूरी डिफरेंट है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिल्स,
कितने प्रकार के बिल होते हैं, कितने प्रकार की मोशंस होती हैं, सब्सटेंशिएटिव, सब्सटीट्यूटिव, बहुत तरह की मोशंस होती हैं. व्हाट आर द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्या विशेष अधिकार है, कलेक्टिव प्रिविलेजेस, द इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, और इनके ब्रीच होने पे किस तरह का पनिशमेंट मिलता है. संसद सदस्यों के विशेष अधिकार. देन व्हाट काइंड ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, दोनों में क्या अंतर है. आप सबको पता ही होगा इस लेवल पे कि ऑर्डिनरी बिल कैन बी प्रोड्यूस इन ईदर ऑफ द हाउस, बट मनी बिल कैन बी, कुड बी ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा. तो वो पूरा डिटेल में. देन फाइनेंस बिल क्या है, देन मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, सामान्य बिल और धन विधेयक में क्या अंतर है, फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, वो भी डिटेल में है, फाइनेंस बिल वर्सेस मनी बिल. देन फाइनेंस बिल में भी दो तरह के बिल होते हैं, कैटेगरी वन कैटेगरी टू, वो भी डिटेल में. फिर पूरा कंपैरिजन मनी बिल फाइनेंस बिल. देन इंडिया में जो फंड्स होते हैं, कितने प्रकार के फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ने भारत की संचित निधि, कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि, पब्लिक अकाउंट फंड, कितने प्रकार के फंड होते हैं. देन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट में क्या अंतर है. अभी जैसे एक सेंटर में इलेक्शन होने थे ना, तो क्या आया था, इंटरिम बजट आया था. फिर एक और इनका तरीका होता है वोट ऑन अकाउंट, लिखा अनुदान, तो दोनों में क्या अंतर होता है. इस बार दो बार बजट आया, 2019 में दो बार बजट आया, एक बार तो पिछली गवर्नमेंट का और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट का, दो बार बजट आया, क्योंकि पिछली बार जो फरवरी में बजट था वो इंटरिम बजट था. फिर इसमें हम ये भी बताएंगे कि अभी तक जो बजट पेश होता था फरवरी के लास्ट वर्किंग डे होता था, ये फरवरी के स्टार्टिंग में क्यों अब पेश होने लगा, एक एक चीज का रीजन बताएंगे. लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उस लेवल पे जाना, ले जाना पड़ेगा. एक एक डिफरेंस, एक या दो नहीं, पूरे एक एक डिफरेंस दोनों में. देन स्टेजेस ऑफ द बिल, कितने चरण होते हैं किसी भी बिल के संसद में, इंट्रोडक्शन, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, सिलेक्ट समिति, इन्हें प्रवर समिति को सौंपा जाता है, थर्ड रीडिंग. देन व्हाट इज द जॉइंट सिटिंग, पूरा जॉइंट सिटिंग, डिफरेंट टाइप्स के जो बचे हुए मोशंस हैं. देन नॉर्मली हम कहते हैं लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, बट देर आर सम स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा जो पूछी जाती है कि राज्यसभा किन किन मामलों में शक्तिशाली है. देन व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, आप समझ रहे हैं इसको, इसकी अहमियत. उसे मैं कहूँगी कोई एक इम्पॉर्टेंट बताइए लोकसभा की, वो क्या है जो राज्यसभा के पास नहीं है, जो सरकार बनती और बिगड़ती लोकसभा में, मेजोरिटी हमेशा लोकसभा तय करती, तो लोकसभा की हुई एक्स्ट्रा पावर. तो ऐसी एक नहीं, बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर बताएंगे. और राज्यसभा की क्या एक्स्ट्रा पावर है, होम अफेयर्स. तो वो एक एक डिटेल उसकी और भी है, हम डिटेल बताएंगे. देन अभी पार्लियामेंट खत्म नहीं हुआ, अब पार्लियामेंट्री कमेटी पे आते हैं. कितनी तरह की कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, क्या अंतर होता है. फिर एक और तीसरी कमेटी होती है जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. फिर एक एक कमेटी की डिटेल उसमें, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी की पूरी डिटेल विद क्रिटिकल एनालिसिस, 3G मामले में इसमें क्या इसने काम अच्छा किया. पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति. देन उसके बाद एस्टिमेट कमेटी यानी प्राकलन समिति, इसका टर्म, इसका फंक्शन, इसकी वर्किंग. एस्टिमेट कमेटी की क्या अचीवमेंट रही है अभी तक, एस्टिमेट कमेटी की. देन कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह वगैरह वगैरह. फिर हमारे पार्लियामेंट में एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत चलता है, प्रदत्त विधियां. यानी नॉर्मली जो बिल पेश होते हैं वो डिटेल नहीं होते, बड़े स्केची एंड आउटलाइन होते हैं, वो हम बताएंगे आपको. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये प्री में क्वेश्चन बना, मीन्स में क्वेश्चन बना है, इसमें कितने टाइप का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये सब इसके टाइप्स है. क्या एडवांटेजेस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, बेटा क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से. देन कमेटी ऑन पिटीशंस, पिटीशंस क्या है, कितने प्रकार की पिटीशंस होती है. देन इन जनरल व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी. देन पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा पार्लियामेंट्री फोरम्स भी होते हैं, ये उनकी पूरी डिटेल. इनमें भी मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है पार्लियामेंट्री फोरम का, कमेटी अलग होती, फोरम अलग होती, बना हुआ क्वेश्चन है. ये पूरा उनका इंट्रोडक्शन, कितने प्रकार के फोरम है, कंपोजिशन, टर्म. अब आ जाएं बजट इन द पार्लियामेंट. नॉर्मली ये चीज़ डिस्कस नहीं करते लोग,
वो भी डिस्कस करेंगे कि अभी पार्लियामेंट ही चल रहा है चैप्टर, बजट किस तरह से पार्लियामेंट में आता है, कौन पेश करता है, क्या आपने से बताएगा कि बजट किसके नाम से पेश होता है? बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तो ऐसे प्री में छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो होते हैं जो यस अंदर या बाहर कर देते हैं आपको। बजट किसके नाम से पेश होता है? प्रेसिडेंट के नाम से। इन लोकसभा इट इज प्रेजेंटेड बाय, एंड इन राज्यसभा इट इज प्रेजेंटेड बाय। तो दोनों जगह कैसे प्रेजेंट कर लेगा, दोनों जगह कैसे प्रेजेंट करेगा एट ए टाइम? अलग अलग करता है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसका फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है। अच्छा ठीक, तो वो चीज़ें आप जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो समझ में आएगी। द बजट इज प्रेजेंट ऑन द सेम डे इन लोकसभा, इट इज प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द कैबिनेट रैंक, एंड इन राज्यसभा इट इज प्रेजेंट बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस द स्टेट रैंक। जो राज्य मंत्री वित्त होते हैं वो इस राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं, और कैबिनेट मंत्री इसको वित्त के होते हैं वो लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो बजट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं पार्लियामेंट की, देन उसके बाद जनरल डिबेट क्यों होती है, डिबेट ऑन डिमांड फॉर द ग्रांट क्यों होती है, एक बजट में कितनी मांगे होती हैं, कुल 109 मांगे होती हैं, कितनी डिफेंस की, कितनी सिविल, सारा डिटेल। कट मोशन क्या होता है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्री मेंस में सब क्वेश्चन बने हुए हैं, कटौती प्रस्ताव क्या है, पूरा कट की डिटेल, पूरी ग्रांट से पार्लियामेंट में कितने प्रकार की ग्रांट है, पूरी एक एक ग्रांट है। क्या आपको पता है बजट के समय सरकार गिर भी सकती है, तो किस स्टेज में सरकार गिर सकती है? नहीं नहीं किस स्टेज में सरकार गिर सकती है? ये पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल में नहीं गिरती, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल में भी नहीं गिरती, 4-5 में नहीं गिरती, ये जो थर्ड है ना इसमें सरकार गिर सकती है। डिबेट ऑन द डिमांड ऑफ द ग्रांट एंड इट्स पासिंग, मैं बताऊंगा डिटेल इसके, कट क्या होता है वो बताऊंगा। देन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें सिंपल मेजॉरिटी, किसमें स्पेशल मेजॉरिटी, किसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, किसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी, अलग अलग तरह की मेजॉरिटी। तो अब कहीं जाके पार्लियामेंट खत्म होता है, तो हर चीज डिटेल में डिस्कस है। ये सिर्फ एक चैप्टर बताया था मैंने आपको पार्लियामेंट का ना, और वैसे ही पॉलिटी में जहां जहां लगेगा उसके वीडियोस वगैरह आपको बताते जाएंगे। वैसे ही अब जैसे अपन ज्योग्राफी आए तो ज्योग्राफी में भी जैसे फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी है, तो ये फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की पूरा डिटेल मैंने आपको चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे अवर अर्थ है पहला टॉपिक, दूसरा एटमॉस्फेयर है। तो मेरा ये आपको बताने का मतलब है कि ये नहीं टॉपिक मतलब इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे 24 टॉपिक हैं खाली ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिर वैसे बहुत सारे टॉपिक हैं इंडिया में, जैसे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें अवर अर्थ, इंटीरियर अर्थ, अर्थ के अंदर क्या क्या है, डिफरेंट स्पीयर्स क्या हैं, साइड्रल डे, साइड्रल मंथ क्या होते हैं, GMT वगैरह क्या होता है, इंटरनेशनल डेडलाइन, माउंटेन्स क्या हैं, किस तरह से माउंटेन बनते हैं, फोल्ड फॉल्ट माउंटेन क्या है, ब्लॉक माउंटेन क्या, प्लाटोस क्या होते हैं, डेसिकेटेड प्लाटोस क्या होते हैं, ये प्लेट टेक्टोनिक्स कैसा होता है। तो ये चैप्टर वन हुआ जैसे काफ़ी डिटेल में, और फिर जहाँ जहाँ इसके डिटेल लगेगी जैसे आपको लेयर ऑफ द अर्थ समझना है, पूरे लेयर ऑफ 1000 माइल्स और 13000 किलोमीटर्स, दिस सेंटर द आउटर कोर इज डायरेक्टली बिलो इट एज द लिथोस्फीयर, एज द लिथोस्फीयर। जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पे आपने पढ़ा था ना अभी कन्वर्जेंस प्लेट टेक्टोनिक्स, वो उस पे भी अलग वीडियो है, ये खाली वीडियो है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का, देखिए ये पूरे दुनिया में खाली एक ही प्लेट थी, क्या नाम था इसका, बोलिए बोलिए ना ना, पेंजिया, पूरा दुनिया का सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया नाम, फिर इसके दो टुकड़े हुए,
ये वाला लार्सेना है और नीचे वाला गोंडवाना है, बोलिए। ये पूरा एक ही सुपर कॉन्टिनेंट, देर वॉज ओनली वन सुपर कॉन्टिनेंट एंड देर वॉज वन सुपर ओशियन, पैंथलसा नाम था सुपर ओशियन का और सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। फिर बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन ये अर्थ, ये जो सुपर कॉन्टिनेंट टूटा और ये ऊपर वाला भाग ऊपर गया, लेकिन कुछ नीचे के टुकड़े भी ऊपर गए। इंडिया है नॉर्थ में, लेकिन इंडिया ऊपर के टुकड़े से नहीं बना है, इंडिया नीचे के टुकड़े से बना है, गोंडवाना से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ। तो ये देखिए, अब आप इंडिया प्लेट, इंडियन प्लेट टूट रही है, ये देखिए, ये इंडिया इस तरह से बनता है, ये मेडागास्कर टूटा अफ्रीका से। अब ये जो इंडियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया नीचे रह गया, इंडिया ऊपर जा रहा है, अब ये तिब्बत प्लेट से टकराएगा। मतलब जो हिमालय है वो पूरा सी बेड है, उसका क्या नाम है उस सी का? ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, टेथस। क्या नाम है? टेथस। हिमालय के ऊपर पूरा फॉसिल है, सी फॉसिल है। हिमालय के ऊपर कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक जो कि सी बेड पे होती है। आप देख रहे हैं ये प्लेट जाके टकरा रही है तिब्बत प्लेट से। तो ऐसे व्हाटएवर थिंग्स आर देयर इन डेप्थ, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर सपोर्टेड बाय द नोट्स, ग्राफिक्स एंड द वीडियोस। और फिजिकली हमारे ये नोट्स पड़े हुए हैं, ऐसे मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, हर चीज के मॉड्यूल हैं, इंग्लिश में जो आपको देखना है आप देख सकते हैं। अब मैं समअप कर रहा हूँ अगले 5 मिनट के अंदर। पूरा यूपीएससी और पीएससी पैटर्न पे हमारे यहाँ टेस्ट पेपर्स होते हैं पूरे, जैसे इस तरह से पूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप देख रहे हैं पूरे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उस हिसाब से ऐसे हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं, इंग्लिश हिंदी से बाइलिंगुअल। मेंस का तो आंसर राइटिंग मैंने बता दिया, प्रैक्टिस जो कराते हैं यूपीएससी की यूपीएससी के हिसाब से, पीएससी की पीएससी के हिसाब से, इस तरह के हमारे टेस्ट पेपर्स होते हैं। और आपको कुछ देखना हो तो जो क्लासेस है हमारी, फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग द इवनिंग मैच। Timings of the evening batches from 5:45 to 8 PM. और 3rd से हम morning batch start करेंगे 8 to 10:15. बाकी timings वगैरह सब mention है, आपके हाथ में भी mention है। Unique IAS Study Circle, India's Premier Institute, Central India. हमारे यहाँ के रिजल्ट का वीडियो है। वेबसाइट पे गया हुआ आप देख सकते हैं। Should I work upon so that I can do well and the final day of the tournament you can get selected? Sir's explanation of the question, sir, could not answer was very good. It was very concise in nature. So I believe that ये DPS से पढ़े हुए हैं 12th, उसके बाद IIT दिल्ली से इन्होंने किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में IPS, थर्ड में IPS एंड फोर्थ अटेम्प्ट में IAS बने, स्वप्निल खरे। Questions for questions relating to my home city. Mr. Swapnil Home Party, All India. Marvel sir, Director Unique IAS. ये शिवपुरी में समय। Without your guidance for pre and India 51st rank in IAS 2015.
It was a wonderful experience. She got the, I think, Odisha cadre. So far, I cleared the civil services 2013 exam with an All India rank of 128. For especially my mummy, papa, or manager, their support. I mean, I was happy possible. And also to Mr. Gaurav Marwaha of Unique IAS Study. Without his esteemed support and guidance, this journey would have been so smooth. अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो ही इज करेंटली एसपी राजगढ़ मिस्टर प्रदीप शर्मा राजगढ़ जैन ऑल इंडिया 194 ये अर्पित जैन भी यस एसपी समवेयर सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड ही वाज वेरी गुड रिगार्डिंग स्पेशली रिगार्डिंग एमपी एंड व्हेनेवर देयर वाज डाउट आई आस्क्ड सर एंड ही वाज ऑलवेज रेडी टू मिस्टर तरुण कुमार पिथोड़े ऑल इंडिया 7th रैंक तरुण कुमार पिथोड़े तो आप सबको पता है ही इज़ करेंटली कलेक्टर भोपाल तो ये कलेक्टर राजगढ़ कलेक्टर बैतूल कलेक्टर सीहोर और आजकल है कलेक्टर भोपाल गौरव मारवा सर का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में एंड सिंस आई वाज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास आई डिड नॉट अटेंड एनी अदर कोचिंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स फॉर जनरल स्टूडेंट्स एंड आई एम पर्सनली थैंकफुल टू हिम मिस्टर हेचिट नाथ ऑल इंडिया थर्ड रैंक इन आईएएस All India third rank. Gaurav Marwaha sir, rank introduction, precise description of the aspects and very much productive. Mr. Prabhav Joshi, All India. So, इसको आप नेट पे देख लीजिएगा. Most of the things I have discovered and covered with you. These are the physical notes. और जो एक नक्शा में मैंने आपको बता दिया. और कोई आपको doubts हो कुछ हो you can ask. Sir, do you need to be in such a depth for state PSC?